दोस्तों राधे राधे, जय राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं हमारा गुरुजीज व्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट रवसाय फुंदे। दोस्तों अभी हम गोकुल घूम रहे हैं, मतलब बालकृष्ण जहां खेले थे, बड़े हुए थे, वही स्थान। और अभी हम आए हैं रमन रेती, और रमन रेती में बालकृष्ण के साथ साथ सुदामा, राधा जी सब भी खेले थे। उसी जगह पर बहुत सारे मंदिर है, साथ साथ जो वहाँ खेले थे मिट्टी में, वो मिट्टी भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रमन रेती। दोस्तों कल गुरु पूर्णिमा का एक बड़ा पर्व था, इसी कारण आप रमन रेती में देख सकते हैं बहुत सारे भक्तों की भीड़ है। और आज से सावन महीना भी शुरू हो गया है, मतलब लोग गुरु पूर्णिमा का स्नान और साथ साथ यहाँ सावन के महीने में रमन रेती में आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ रेती में बैठे हैं, कोई लोट रहा है, पेट रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ में आप देखिए भजन, श्री कृष्ण भजन चल रहा है, इससे यहाँ का पूरा माहौल बिल्कुल भक्तिमय हो गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यह रमन विहारी मंदिर है, जो रमन रीति का मुख्य मंदिर है। चलिए अब भी हम दर्शन कर लिया है और फिर दोस्तों यही जगह है भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में थे, तब बलराम राधा जी के साथ यही रीति में खेले थे। और बहुत सारे श्रद्धालु आप देख सकते हैं यही रीति खेल रहे हैं। बहन जी आप कहाँ से हैं? कहाँ से? गोरखपुर से। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ के आपके? अच्छा, अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका? बरसा। बरसाना। राधे राधे। हाँ बहन जी आप कहाँ से आई हैं? हम ग्वालियर से आए। ग्वालियर से आए हैं। नाम क्या है आपका? रचना। रचना, रचना जी। आपका नाम? ममता। ममता, यार रमन रीति में आके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ जय राधे राधे। राधे राधे, राधे। भैया नाम क्या है? मोहन। नाम? नाम बोलने का कम बोलता है। ऐसे क्या, ठीक है। आप आपको तो यहाँ क्या अच्छा लग रहा है रमन रीति में? ओके राधे राधे। दोस्तों राधे राधे, जय राधे कृष्ण। तो अब भी हम रमन रीति को देख लिया है, रमन बिहारी मंदिर में जाके दर्शन भी कर लिया है। और ये जो एरिया है यमुना के इस पार का, इसे मधुबन कहते हैं। और उस पार यमुना के जो एरिया होता है उसे वृंदावन कहते हैं, जहाँ हम दोपहर के बाद जाने वाले हैं। तो अभी हमने रमन रीति देख लिया है, और कल गुरु पूर्णिमा का पर्व था इसलिए यहाँ बहुत सारे भीड़ है, मतलब आज यहाँ का सावन का महीना भी शुरू हुआ है, दोनों पर्वों के साथ साथ बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों राधे राधे, जय राधे कृष्ण। तो अभी हमने बिल्कुल सुबह सुबह
ब्रह्मांड घाट देख लिया, उसके बाद रमन रीति भी जाके हम आए हैं, और अभी हम कुछ देर में गोकुल में जाने वाले हैं। आप पीछे देख सकते हैं, यही जो पूरा एरिया है ये गोकुल का एरिया है, तो यहाँ क्या क्या है मतलब वो भी हमें देखना है। ये हमारे यात्रा कंपनी के मालिक है रमेश पवार महाराज, और ये यहाँ जो लस्सी बिकते हैं वो है कृष्णा, और अभी हम यशोदा भवन के सामने ये लस्सी का आनंद ले रहे हैं। ये वाली लस्सी लेंगे,